नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा नगायश है और वैदिक ऊर्जा के इस चैनल में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं रोली और कुमकुम के महत्व की। हिंदू सनातन धर्म में ये जो रोली और कुमकुम का तिलक लगाते हैं उसका विभिन्न प्रकार से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने ज्ञान अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, किसका क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष की, अंकशास्त्र की, वास्तु कि इसका और रोली और कुमकुम का क्या संबंध है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रोली कुमकुम है उसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि हल्दी। हल्दी देवगुरु बृहस्पति से संबंधित रखती है, आप सबको पता है कलर उसका पीला होता है और बृहस्पति इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा जो सामग्री होती है रोली बनाने में हम लोग यूज करते हैं वो है नींबू। नींबू या कोई भी साइट्रस जो फ्रूट होता है उसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा जी करते हैं। और तीसरा गाय का देसी घी, वो भी चंद्रमा के ही अंतर्गत आता है। इसका लाल रंग मंगल का प्रतीक है और क्योंकि ये जब सब मिलकर के ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं तो भगवान सूर्यदेव का भी अंश इसमें आ जाता है। चूंकि ये शक्ति से रिलेटेड है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती से रिलेटेड है और आकर्षण का कारक है, महिलाओं में लाल रंग की मांग, लाल चुनरी, लाल कुमकुम, ये सब आकर्षण का कारक है और पुरुषों को उत्तेजना भी देते हैं, सभी को उत्तेजना देते हैं। ये रोली और कुमकुम उत्तेजनात्मक भी है, इसलिए शुक्र ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसा पदार्थ जो पांच नहीं छह छह शुभ ग्रहों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। यह आपका जो माथा है इसका कारक बुध ग्रह माना गया है नाड़ी ज्योतिष में, और ये जो बिंदु है आज्ञा चक्र, इससे हम ब्रह्मांड की कॉस्मिक और यूनिवर्सल एनर्जी से कम्युनिकेट करते हैं, बुध कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो कहीं ना कहीं बुध भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो छह शुभ ग्रहों का कारक है ये माथे पर दिखने वाली ज्योतिष के अनुसार छोटी सी बिंदी रोली और कुमकुम। अष्टलक्ष्मी, क्योंकि आजकल लक्ष्मी का ही जमाना है और सब लोग लक्ष्मी जी को, हालांकि लक्ष्मी जी की परिभाषा पे हम लोग किसी दिन और बात करेंगे विस्तार से, पर ये रोली और कुमकुम अष्टलक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र और सूर्य मिलकर के विजया लक्ष्मी का योग बनाते हैं। विजय लक्ष्मी वो है जो आपको विजय प्राप्त करने में, वो ऊर्जा जो आपको विजय करने में, किसी भी चीज को, किसी भी कहीं पे भी आपका युद्ध हो, अंदर का युद्ध हो या बाहर का युद्ध हो, अंदर की लड़ाई हो या बाहर की लड़ाई हो, उसमें विजय के लिए आपको जो साहस और सामर्थ्य देती हैं वो विजय लक्ष्मी का प्रतिनिधि रोली और कुमकुम करती है। इसी तरह शुक्र और चंद्रमा मिलकर के धन लक्ष्मी का योग बनाते हैं। धन लक्ष्मी आपके भोजन और न्यूट्रिशन इसका कारक है। धन लक्ष्मी से धन नहीं आता है कि पैसे की बरसात होने लगी, ऐसा नहीं होता है। पैसा तो आप अपने कर्मों से कमाते हैं, लेकिन वो कर्म करने के लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए है, जो आपको मानसिक और शारीरिक शक्ति चाहिए होती है, वो ये सब चीजें वो सब ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। तो कुमकुम और रोली का प्रयोग, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इस रोली और कुमकुम में हल्दी, नींबू या ऐसे पदार्थ जो कि शास्त्र के अनुरूप नहीं है, शुद्ध नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो जब शामिल हो जाते हैं, कोई केमिकल शामिल हो जाता है जिसे आप खा नहीं सकते, जो जहरीला है, तो सारे केमिकल जहरीले जो होते हैं वो राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राहु एक ऐसा छाया ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उसके शुभ फल को समाप्त कर देता है। ये बहुत ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी का रूल है।
इसलिए जब भी आप केमिकल मिली हुई रोली और कुमकुम इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने शरीर में अपने आज्ञा चक्र पे आप केवल राहु का आमंत्रण कर रहे हैं। जब केमिकल मिली हुई आप कोई भी सामग्री मां लक्ष्मी को, मां दुर्गा को, मां काली को समर्पित कर रहे हैं तो आप अपने लिए समस्याएं बुला रहे हैं और उस पूजा का कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाला है। कोई महासिद्ध है जिसने की पदार्थों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है तो मैं नहीं कह सकता, ऐसे भी लोग हैं इस ब्रह्मांड में, कहीं पे हो सकते हैं, मैं इसलिए नहीं कह सकता। लेकिन और दूसरा मेरा निवेदन उन सभी ज्योतिष मित्रों से है या जो लोग भी बहुत सारे उपाय बताते हैं रोली और कुमकुम को लेकर के, वो ये जरूर बताएं कि साथ में कि रोली कुमकुम आपकी नेचुरल और प्राकृतिक होनी चाहिए, वरना आप पूजा करते रहिए अभिषेक रोली और कुमकुम से करते रहिए लेकिन ज्योतिषीय तौर पे आपको कोई फायदा आध्यात्मिक तौर से नहीं होगा। वास्तु में अगर आप देखें तो ये बहुत उपयोगी है, खासतौर से दक्षिण दिशा जो मंगल का, जहां से मंगल देवता प्रतिनिधित्व करते हैं, साउथ ईस्ट शुक्र जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और घर की तमाम निगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए सदियों से आप लोग अभी भी कर रहे हैं। घर के बाहर जो हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं वो लाल कलर से बनाते हैं, हम लोग ओम का साइन बनाते हैं वो स्वास्तिक से बनाते हैं, हम लोग जहां पैसे रखते हैं वहां तिजोरी के ऊपर जो बनाते हैं लिखते हैं शुभ लाभ वो लाल कलर से लिखते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ अफसोस इस बात का है, जाने अनजाने में आप लोग जो ज्यादातर लोग रोली इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल से मिली हुई होती है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के बजाय नकारात्मक ऊर्जा को इनवाइट करती है, आमंत्रित करती है कि आइए राहु महाराज हमारे घर में बैठिए, हमारी तिजोरी में बैठिए, हमारे दिमाग में बैठिए, हमारे माथे पर बैठिए, हमें कलेश दीजिए, हमको बीमारियां दीजिए, हमको झगड़े दीजिए, हमको चिड़चिड़ापन दीजिए, हमको अनिद्रा दीजिए। ये कोई और नहीं कर रहा है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जाने अनजाने में प्रयोग कर रहे हैं। आपको अगर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, मेरा निवेदन यह है कि आप कुछ भी प्रयोग ना करें, आप माथे को सूना रखें, पानी लगा लें, वो ज्यादा अच्छा है। कोई नकारात्मक चीज का प्रयोग करने से अच्छा है कि आप उसके स्थान पे कोई चीज प्रयोग ना करें। हम लोग रोली बनाते हैं, हमारी संस्था रोली बनाती है, तो मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ, और महंगी है। महंगी इसलिए है क्योंकि हम ऑर्गेनिक हल्दी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक नींबू यूज करते हैं, गाय का देसी घी यूज करते हैं, तो महंगी होगी, सस्ती नहीं हो सकती क्योंकि केमिकल वाला पाउडर नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि इसको अफोर्ड ना कर पाए, उनको महंगी लगे, तो वो कुछ भी इस्तेमाल ना करें, वो केमिकल ना इस्तेमाल करें। तो आपके बहुत सारे जो आप उपचार करते हैं ज्योतिष के ग्रहों को बैलेंस करने के लिए या तमाम, तो हमको ग्रहों को बैलेंस नहीं करना है, हमको अपने आप को बैलेंस करना है। अत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, पिंड मतलब आप और मैं। तो हम बृहस्पति को और शुक्र को नहीं कर सकते, हमसे अपना 6 साल का बच्चा तो हैंडल होता नहीं है, और चले हम बृहस्पति को और मंगल को ठीक करने के लिए तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करें हम लोग खुद को बैलेंस करें। उसी जब जो छोटी छोटी चीजें हमारे सनातन धर्म में बनाई गई हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं कि आपके जो वाइब्रेशंस हैं, जो ब्रेन के कंपन हैं, वो ठीक रहें, ताकि हर अच्छे और खराब समय में भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें, आप सम की स्थिति में रह सकें, हर परिस्थिति का आप सामना कर सकें, आपको साहस मिले, आपको ऊर्जा मिले, आपको अंदर से आनंद की अनुभूति हो। तो अभी आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ आपको और उपाय भी बताऊंगा कि महालक्ष्मी से जुड़े या रोली और कुमकुम से जुड़े किस प्रकार के हम लोग छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं वास्तु के लिए या भगवती की आराधना के लिए या महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। हालांकि मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जैसे धन की बारिश होती है या जीवन में सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल हैं जहाँ पर आपको ये सब जानकारी प्राप्त हो रही है और आप लोग कर भी रहे हैं, लोग हिंदुस्तान में रोज करोड़पति होते ही हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। हाँ, वो उपाय के बारे में जरूर बात करेंगे जो आपको वो एबिलिटीज देते हैं, वो दक्षताएं देते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं कि आप वो अपने काम कर सकें, कर्म कर सकें और मानसिक रूप से आप बैलेंस रह सकें, स्वस्थ रह सकें सारे रूप से, ताकि आप धन, वैभव, यश, कीर्ति इस दुनिया में कमा सकें। तो अगर आपने यदि हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत ही अद्भुत जानकारियाँ आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ।
और आपको बराबर से नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका, जीवन शुभ।